सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का सरकार ने मन से सिक्किम जनता का काम किया था, इसलिए हमारा जीत हुआ है। इसलिए मैं जीत का श्रेय संपूर्ण सिक्किम जनता को देना चाहता हूं और कार्यकर्ता को देना चाहता हूं। मैं मैं विशेष रूप से जो 11 विधानसभा का जो चुनाव का परिणाम आ चुका है, आधिकारिक अभी नहीं हुआ है लेकिन अभी तक पूरा कंफर्म ही हो चुका है, 32 सीट में 31 सीट आ चुका है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं संपूर्ण सिक्किम जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हृदय से ही, और मेरा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पूरा परिश्रम किया और हम लोग भी पांच साल के अंतराल में जो कठिनाई आए COVID-19 20 और 21 में, और उसके बाद 23 में जो फ्लड आए, एक ये डिजास्टर फ्लड, उसके बावजूद भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का सरकार ने मन से सिक्किम जनता का काम किया था, इसलिए हमारा जीत हुआ है। इसलिए मैं जीत का श्रेय संपूर्ण सिक्किम जनता को देना चाहता हूं और कार्यकर्ता को देना चाहता हूं। मैं एसके पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त है, पवन सामनी का दो ही निर्वाचन क्षेत्र से हार हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर क्या, जो हम लोग ने जो एसकेएम पार्टी ने पहला का मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पवन सामलिंग जी को हराया है, इसमें मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने मन से ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में काम किया था, उसी काम के बदौलत आज पवन सामलिंग जो हार गया। तो पवन सामलिंग तो 2019 में वो हार चुका था, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, 2024 में आया तो जो काम 25 साल में उनका सरकार ने नहीं किया था, हम लोग ने 5 साल में किया, इसलिए उनका हार हो गया। रोड टेकिंग कब करेगा सर? ये अभी तय नहीं हुआ है, तय होने के बाद आप लोग को बताएंगे। गवर्नर के वहाँ कब जाएंगे आप लोग? तो अभी जो ऑफिशियल जो कंफर्मेशन आएंगे इलेक्शन कमीशन, उसके बाद हम गवर्नर के पास हम लोग जाएंगे। सर, सिक्किम के जनता का क्या अपील है आपका रिजल्ट? मैं सारा सिक्किम जनता को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सारा सिक्किम जनता और मेरा पार्टी कार्यकर्ता यही मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारा जो शांति कायम रखे, कहीं भी कानून को हाथ में नहीं ले। मैंने पूरा प्रशासन का मैंने निर्देशन दे चुका है, मैं डायरेक्शन दे चुका हूँ, मैंने डीजीपी को और हर 6 जिला का जो एसपी है उनको भी दे चुका है और चीफ सेक्रेटरी को, ताकि जो शांति जो पीस जो इलेक्शन में हुआ था, इस बार सिक्किम का सबसे पीसफुल इलेक्शन हुआ, वो रिकॉर्ड है, और वोटिंग परसेंटेज भी सबसे और दूसरे राज्य के तुलना में 83.5% हुआ। इसलिए मैं संपूर्ण सारे सिक्किम जनता को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा काम न करे ताकि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में हो। 7 तारीख का एमपी का इलेक्शन का रिजल्ट है, क्या उम्मीद रखते हैं? तो अभी आप देखिए हमारा 32 में 31 सीट जीत चुका है, और उनका परसेंटेज जीत का परसेंटेज देखा है, तो एमपी तो ऐसे ही जीतेंगे। कोई दौरा नहीं, इसमें कोई दौरा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ऐसा कोई भी डाउट भी नहीं। सर, 5 साल बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, बहुत सारे आपने अनाउंसमेंट किया है इलेक्शन से पहले, बहुत सारे इम्प्लॉयमेंट का भी बात है, इस पर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो देखिए हम लोग ने जो 2019 में हम लोग ने जितना भी अनाउंसमेंट किया था वो हम लोग ने काम किया, तो हम लोग ने इस इलेक्शन में जितना भी अनाउंसमेंट किया है सुनौलो सिक्किम एंड समृद्धि सिक्किम के लिए, वो काम हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग ने इलेक्शन के बाद ही हम लोग ने पूरा सीरीज ऑफ मीटिंग मैंने विभागीय कर्मचारी से कर चुका है, पूरा हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि 5 वर्ष हम क्या करेंगे। जो भी रेगुलर हुआ है वो रेगुलर तो हो चुका है उन लोगों का, और उन लोगों आप तुरंत उन लोगों को जितना भी ऑर्डर देना हम लोग दे देंगे, पूरा जितना भी हम लोग ने अपॉइंटमेंट किया है उन लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो जितना भी हम लोग ने इलेक्शन के टाइम में चुनाव के समय में जो अनाउंसमेंट घोषणा किया है हम लोग 5 साल में वो पूरा करेंगे। सर, 7 तारीख का नेशनल लेवल में भी इलेक्शन का रिजल्ट, क्या उम्मीद रखते हैं? मैं नेशनल लेवल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनेगा, पूरा बहुमत और 400 पार होगा, और हम भी एनडीए का पार्टनर है और 400 पार हो जाएंगे। ओके, थैंक यू ना प्रकाश।